सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, आज है 1 नवंबर और आज हमारे गेम के ऊपर जो न्यू इलाइट पास है वो आ चुका है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इलाइट पास को बिल्कुल भी परचेस मत करना, क्योंकि जो इलाइट पास का डिस्काउंट है वो आपको नवंबर मंथ में भी देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे हर मंथ में आ रहा है। अगर दोस्तों बात करें इवेंट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे बहुत सारे सर्वर के ऊपर जो है मिस्ट्री शॉप दी गई थी, चाहे वो हैलोवीन बेस्ड हो, चाहे वो बुइया थीम के ऊपर बेस्ड हो, और कुछ सर्वर के ऊपर यहाँ पे लकी व्हील का जो इवेंट है वो यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। भाई ब्रेक डांसर बंडल भी लकी व्हील के ऊपर दिया गया है, क्या ही बोले भाई। इस तरह का जो लकी व्हील इवेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ओपी रहता है, जिसके अंदर हमें इलाइट पास भी देखने को मिल जाए, बंडल वगैरह भी देखने को मिल जाए। तो लकी व्हील इवेंट जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इस तरह से ही आपको जो डिस्काउंट इवेंट है हमारे इंडिया और बीडी सर्वर के ऊपर भी देखने को मिलेगा नवंबर मंथ में। तो कौन सा इवेंट वगैरह आने वाला है, डेट वगैरह क्या रहने वाली है, वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता दूंगा। बस आप लोग वेट करो और इलाइट पास को बिल्कुल भी परचेस मत करना। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो मैजिक स्टोर है वो अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोगों ने कौन सा बंडल यहाँ पे क्लेम किया या फिर कौन सा बंडल जो है एक्सचेंज किया, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बंडल को क्लेम कर लूँ। तो अभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट के बारे में, जो कि दोस्तों आपको हमारे इंडिया और बांग्लादेश सर्वर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे OB37 अपडेट की मेगा लीक्स के बारे में। तो आपको दोस्तों पता है कि हमारे गेम के ऊपर जो एडवांस सर्वर है वो 4 नवंबर को ओपन होने वाला है, और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी कोई नया अपडेट आने वाला रहता है तो जो भी अपकमिंग डिटेल्स होती हैं, अपकमिंग लीक्स वगैरह होती हैं, वो 3 तरीकों से हमें पता चलती हैं। पहला तो है नोट्स, दूसरा है फोटोज़, तीसरा है वीडियोज़। तो अभी एडवांस सर्वर तो ओपन हुआ नहीं है, तो कुछ नोट्स वगैरह निकल के आए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ नोट्स तो ऐसे हैं जिनको देख के आपको बड़ा शौक भी लगने वाला है कि भाई ऐसा भी जो है नई चीज़ अपडेट के बाद आने वाली है। तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, कल हमारे गेम के ऊपर एक मिनी अपडेट आया हुआ था, जिसके बाद हमारी जो FFWS की स्काइविंग और एनिमेशन की स्किन है उसको हमारी गेम के फाइल के ऊपर ऐड कर दिया गया है। तो अभी इसका फुल रिव्यू निकल के आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों आप स्काइविंग देख सकते हैं, कुछ इस तरह की स्काइविंग आपको देखने को मिलेगी जो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की थीम पे बेस्ड है। अभी इसका फुल डिज़ाइन निकल के आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा ओपी है, काफ़ी बढ़िया है, और इससे भी बढ़िया इसका एनिमेशन है। एनिमेशन दोस्तों लिटरली बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो भाई क्या ही बोलें, काफ़ी ज़्यादा ओपी है, अगर आपको निकालना है तो आप लोग ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। अभी ये कब आएगा तो पता नहीं चला है, लेकिन हाँ जिस तरीके से अपना 20 दिसंबर के बाद अपना FFWS इवेंट स्टार्ट होगा, उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों बात करें इवेंट के बारे में, तो इवेंट तो आप लोग को दिख ही रहा है कि अपना फेड व्हील के ऊपर ही आने वाला है। तो अपकमिंग फेड व्हील रहने वाला है हमारा स्काइविंग और एनिमेशन का। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अभी दोस्तों बात करते हैं OB37 अपडेट की मेगा लीक्स के बारे में। तो जो पहली कन्फर्म लीक है वो है यहाँ पे नेक्स्ट गन इंक्यूबेटर के रिगार्डिंग। तो अभी हमारे गेम के ऊपर चल रहा है थॉम्सन गन का इंक्यूबेटर, तो जो नेक्स्ट गन का इंक्यूबेटर होगा वो होगा अपना वेक्टर। जी हाँ दोस्तों, वेक्टर गन का जो इंक्यूबेटर है वो आपको OB37 अपडेट के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वेक्टर से पहले एक बंडल का इंक्यूबेटर भी आएगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से कोई भी बंडल इंक्यूबेटर अभी तक नहीं आया है। तो पहले तो थॉम्सन के बाद आपको बंडल इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा, एंड देन उसके बाद आपको जो है वेक्टर गन का जो इंक्यूबेटर है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें एक्सक्लूसिव रैंक रिवार्ड के बारे में, तो वो रहने वाली है UMP T32 यहाँ पे सिरोऊ स्पेशल। तो सिरोऊ करेक्टर की थीम पे जो है UMP की स्किन आपको रैंक रिवार्ड के तौर पे दी जाएगी। अब ये CS का रैंक रिवार्ड है या फिर BR का रैंक रिवार्ड है वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन आज जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको CS रिवार्ड में मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अपकमिंग कुछ आइटम के बारे में, तो जैसे अभी हमारे गेम के ऊपर रेड एंजेलिक पैंट है, व्हाइट एंजेलिक पैंट है, तो वैसे दोस्तों अपडेट के बाद आपको येल्लो एंजेलिक पैंट, जी हाँ दोस्तों येल्लो एंजेलिक पैंट देखने को मिलने वाली है, और उसी के साथ आपको जो है ग्लिटर एंजेलिक पैंट, ग्लिटर कलर की जो एंजेलिक पैंट है और येल्लो कलर की जो एंजेलिक पैंट है, दो तरह की एंजेलिक पैंट आपको आफ्टर अपडेट देखने को मिलेंगी। बाकी इसका जो फुल रिव्यू है वो आपको मैं अपडेट आने के बाद, जैसे हमारे गेम में अपडेट आ जाएगा या फिर हो सकता है कि एडवांस सर्वर ओपन होने के बाद भी इसका अपडेट इसका रिव्यू निकल के आ जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे भयंकर अपडेट जो है आने वाले हैं और आपको जो है बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो गाइस, जो मैंने आपको परसों एडवांस सर्वर का पोस्टर दिखाया हुआ था, वहाँ पे जो हमारी M10 गन बनी हुई थी, तो मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि आपको M10 के ऊपर अपग्रेड वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि आपको आने वाले अपडेट के अंदर 5 गन में अपग्रेड सिस्टम देखने को मिलेगा।
पहला तो है M10, जहाँ पे आपको M10 फर्स्ट, M10 सेकंड और M10 थर्ड करके देखने को मिलेगा, अपग्रेड चिप सिस्टम। और M10 ही नहीं दोस्तों, इसके साथ आपको M187, MAX7, MP40 और UMP, लगभग 5 गनों के ऊपर जो हमारा अपग्रेड चिप सिस्टम वो देखने को मिलेगा। जैसे हमारा M4A1 फर्स्ट है, स्कार फर्स्ट है, उसी तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये फ्री फायर क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सभी गन के ऊपर जो है अपग्रेड चिप सिस्टम दे रहा है। अभी इससे जो हमारी गन स्किन्स हैं उनकी वैल्यू डाउन होगी या उनकी वैल्यू अप होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे M107 और हमारा यहाँ पे जो MP40 है उसके लिए एक्साइटेड रहने वाला हूँ। अभी तक आपको M107 के ऊपर एक्स वाला वर्जन देखने को मिलता था, अभी आपको जो है 1 और 2 और जो 3 वाला चिप सिस्टम वो देखने को मिलेगा। और आप इजीली जो है चिप की मदद से, जैसे आप MP5 को चिप की मदद से अपग्रेड करते हैं, वैसे आप इसको यहाँ पे अपग्रेड कर पाएंगे। और ये आपको CS के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे इसका जो यहाँ पे ट्रायल वगैरह होगा वो CS में ही रहने वाला है। तो देखते हैं किस तरह का निकल के आता है, बाकी एडवांस रोलर आएगा तो उसके अंदर उसका रिव्यू मैं आपको दिखा दूंगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आने वाले अपडेट के बाद एक नया सिस्टम आने वाला है, जिसमें कि अगर आप एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा या फिर 180 मिनट गेम खेलते हैं तो आपको फ्री फायर के द्वारा एक रिमाइंडर भेजा जाएगा, जहां पे आपको बोला जाएगा कि ज़्यादा जो गेम खेलना है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो रिमाइंडर में आपको बताया जाएगा कि भाई आपको 3 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गेम नहीं खेल पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उससे ज़्यादा खेलना है या फिर नहीं है। बट फ्री फायर अपनी तरफ से एक ड्यूटी निभाएगा कि हाँ भाई चलो 3 घंटा इसने खेल लिया, तो एक रिमाइंडर आपको एक नोटिफिकेशन की तरह आपको यहाँ पे भेजा जाएगा। तो क्या आप लोग 3 घंटे से ज़्यादा गेम खेलते हो या फिर आप लोग कितना घंटा गेम खेलते हो कमेंट में जरूर बताना, ताकि पता तो चले भाई क्या रहने वाला है। अपडेट के अंदर अपना एक न्यू यू बंडल आने वाला है, जो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की थीम पे बेस्ड है, तो ये कंफर्म यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों एक लीक्स निकल के आ रहा है कि आपको आने वाले अपडेट के अंदर एक न्यू हाइपर बुक देखने को मिल सकती है, जिसका नाम रहेगा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज क्रोम बुक। तो क्रोम बुक जो है यहाँ पे हाइपर बुक की तरह रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ टोकन वगैरह मिले हैं गेम की फाइल के ऊपर। तो ऐसा लीक्स अभी फिलहाल मेरे को मिल रहा है, फिलहाल मेरे पास कोई फोटो वगैरह तो नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा वेट करो, जैसे इसके रिगार्डिंग कुछ और चीज़ निकल के आती है तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की अपनी जो न्यू हाइपर बुक है वो रहने वाली है। तो आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो न्यू हाइपर बुक के लिए कमेंट में जरूर बताना। अभी दोस्तों बात करते हैं आने वाले जर्सी इवेंट के बारे में या फिर जर्सी रॉयल के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों काफ़ी टाइम से लीक्स वगैरह निकल के आई हुई थी कि अपने को जर्सी रॉयल इवेंट देखने को मिलेगा, बट अभी तक अपने को देखने को नहीं मिला है। पहले लीक्स निकल के आई थी कि दीपावली के पहले आएगा, फिर दीपावली के बाद आएगा, बट अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो इवेंट है वो गरीना फ्री फायर की तरफ से बार बार जो है कैंसिल या फिर जो है पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि बीच में अपने बहुत सारे ऐसे इवेंट आ जा रहे हैं जिसकी वजह से कि इसको इवेंट को देने का जो है यहाँ पे टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इवेंट है वो इसलिए भी लेट हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक जर्सी रॉयल का इवेंट नहीं आएगा, इसके साथ ही आपको जो क्लब अमेरिका का इवेंट है या फिर जो हमारा यहाँ पे फ्री फायर एक्स क्लब अमेरिका के जो यहाँ पे बंडल वगैरह हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, उनके साथ ही साथ आपको ये जो जर्सी रॉयल है वो भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों जैसा अपना अनीता का जो हमारा बंडल वगैरह आए हुए थे काफ़ी लेट गरीना फ्री फायर ने दिए थे, और अभी जो अपना फ्री फायर एक्स ट्रिपल ए के जो आइटम है वो लगभग 5-6 महीने के बाद यहाँ पे गरीना फ्री फायर दे रहा है। तो ऐसी दोस्तों आपको क्लब अमेरिका के जो आइटम वगैरह हैं वो थोड़े लेट में देखने को मिलेंगे। तो आफ्टर अपडेट, अभी ये अपडेट से पहले तो आप नहीं आने वाला जर्सी रॉयल, आफ्टर अपडेट यानी कि जो 16 नवंबर को अपडेट आएगा उसके बाद ही आपको जो जर्सी रॉयल का इवेंट है वो बेसिकली देखने को मिलेगा। तो जो पॉसिबल डेट वगैरह है वो यहाँ पे हमारी जो नवंबर का लास्ट वीक है, नवंबर लास्ट वीक के आसपास आपको जर्सी रॉयल का इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको जो है ओल्ड जर्सी का तो रॉयल देखने को मिल जाएगा, बाकी जो न्यू जर्सी है वो आपको किसी वेब इवेंट के ऊपर या फिर फैड व्हील वगैरह के आसपास देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह का बेसिकली दोस्तों इवेंट आने वाला है, और आप जो है टोकन वगैरह से भी एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ जर्सी नहीं आएगी, उसके अंदर आपको क्लब अमेरिका के जो बंडल वगैरह हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो अभी दोस्तों वीडियो में इतना ही।